भाई आज तो कतई जादू हो गया मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। तो सबसे पहले जो हमको रॉ की स्टार्टिंग देखने को मिलती है वो बियांका प्लेयर के साथ ही, और बियांका प्लेयर यहाँ पर आकर इस बात को बताती है कि जो रिया रिप्ली है वो मेडिकली फिट नहीं है, जिसकी वजह से अब जो मनी इन द बैंक में उनका मैच हो रहा है उसके लिए उनको नया अपॉनेंट चाहिए, और उसके लिए यहाँ पर एलेक्सा ब्लिस, लिव मॉर्गन, आस्का, बैकलिंच एंड कार्मेला, इनका फेटल फाइव वे मैच होगा, जिसके बाद एक एक करके सारे सुपरस्टार्स आ रहे हैं। बैकलिंच सबसे पहले रो रो के आ रही हैं और उसकी आस्का जो है नकल कर रही हैं, कार्मेला एलेक्सा सबके सब लोग आते हैं। तो बियांका ब्लेयर कहते हैं कि चलो एक्शन कर लेते हैं, और हमको इमीडिएटली यहीं पर फेटल फाइव वे मैच देखने को मिलता है। और जो मेरे दिमाग में लीस्ट नाम था कि ये सुपरस्टार तो नहीं जीतेगा इस मैच को और कोई भी जीत जाए, एक्चुअल में वही इस मैच को जीता और कार्मेला ने यहाँ पर विक्ट्री ले ली। काफी बड़े बड़े स्पॉट थे इस मैच में, दिस इज ऑसम के चैंट भी लग रहे थे, इंजॉय किया मैंने। सही बताऊँ इस मैच को विमेंस डिवीजन में यूजुअली चीजें एंजॉय करने वाली नहीं होती, लेकिन आज था ऐसा सीन। हमने वो सीन देखा था जब मैन हैंडल स्लैम पड़ा, उसके बाद उसको ब्रेक करने के लिए एलेक्सा ब्लिस ने अपने ट्विस्टेड ब्लिस लगाया, और उसके बाद जब वो भी पिन करती है तो दोनों ने आके बाकी के जो दो सुपरस्टार थे उन्होंने आके उसको ब्रेक किया, तो मजा आ रहा था इसको देखने में। और एंड में जो है कार्मेला ने विक्ट्री जो है इस मैच में ले ली है, और मनी इन द बैंक के लिए कार्मेला एंड बियांका ब्लेयर का मैच है। इस मैच के लिए मैं इतना सभी अगर एक्साइटेड हूँ ना तो फिर ये बहुत बड़ी बात है, इसका मतलब मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ। नेक्स्ट हमको विंस मैकमैन मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में देखने को मिली है, क्या हो रहा है भाई। अब मैं इसके ऊपर अपना ओपिनियन दूंगा कि मुझे क्यों लग रहा है कि विंस मैकमैन लगातार रॉ पर आ रहे हैं, मतलब लगातार शोज पर आने लगे हैं हम। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उन्होंने कहा क्या। तो सबसे पहले आज तो विंस मैकमैन कुछ ऐसे चलते, यूजुअली वो टेढ़े मेढ़े ही चलते हैं, लेकिन आज कुछ ऐसे चल रहे थे जैसे कि सच में वो कुछ नशे करके आए हों। रिंग के अंदर वो आते हैं और बताते हैं कि कैसे जो मंडे नाइट रॉ है वो इतने टाइम से चल रहा है, 1517वां एपिसोड उन्होंने शायद इसको कहा था मंडे नाइट रॉ का, इसकी स्ट्रीक बन गई है, और 30 सालों में 20 साल जिस सुपरस्टार ने डोमिनेट किया है वो नेक्स्ट वीक आ रहा है, वो मिस्टर हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट नाम देते हैं जॉन सीना को, और बताते हैं कि वो जो है नेक्स्ट वीक आ रहे हैं मंडे नाइट रॉ पर, और उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। और जा भी वो लड़खड़ाते हुए थे, और उसके बाद तो एक बार कूदे भी थे वो, काफ़ी लंबी उन्होंने जंप लगाई थी। अब क्यों विंस मैकमैन आ रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि विंस मैकमैन कहीं से भी किसी के दिमाग में ये नहीं लाना चाहते कि भैया अगर मैं सीईओ की पोजीशन से हट गया हूँ तो मेरा WWE में दबदबा कम है, दबदबा मेरा उतना ही है, और शायद उसी चीज़ को लगातार रॉ पर वो आके ये प्रूव कर रहे हैं कि मैं कहीं गया नहीं हूँ WWE से, मैं यहीं पर ही हूँ। तो मुझे इसके पीछे ये रीज़न लग रहा है। बाकी विंस मैकमैन तो सैवेज हैं, उनके चेहरे पर देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि उनके साथ ये कांड हुआ है। वैसे अभी उस कांड को हम रियल भी ना माने तो वो सही है, क्योंकि अभी उसका कंक्लूजन आना बाकी, जिसके लिए वो कमेटी जो है अपना काम कर रही है, तो जब वो चीज़ हो जाएगी तो उसके बारे में हमको आई थिंक विंस मैकमैन के बारे में कोई भी अपना ओपिनियन बनाना चाहिए। इसके बाद हमको रिडल और ओमोस का मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाइंग मैच देखने को मिलता है, लेकिन उससे पहले रिडल बताते हैं यार कि कैसे उन्होंने सही नहीं किया, वो रैंडी ओर्टन के लिए मैच को जीत नहीं पाया, लेकिन वो भी ट्राइबल चीफ है, जब उसने मुझे स्पीयर लगाया तो मुझे तो ऐसा लगा कि मेरे दो टुकड़े हो गए हैं। लेकिन फिर यहाँ पर मनी इन द बैंक की मैच की बात करते हैं कि भले ही मैं उसको चैलेंज नहीं कर सकता रोमन रेंज को, लेकिन मनी इन द बैंक ब्रीफ के जीत के कैश इन तो कर सकता हूं, और ऑलरेडी ड्रू मैकइंटायर, शेमस, सेथ रॉलिंस उसमें है। सेथ रॉलिंस की बात करते हैं कि कैसे वो काफी बुरा आदमी, उसने स्लेज हैमर से जो है कोडी रोड्स की चेस्ट का बुरा हाल कर दिया, और कोडी मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, मतलब वो यहाँ पर उनको ही टारगेट कर रहे थे। उसके बाद ओमोस आते हैं, एमवीपी थोड़ी बहुत बकवास करते हैं, जिसके बाद हमको इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच मैच को मिलता है, और मुझे लग रहा था कि शायद रिडल को यहां पर विक्ट्री मिल जाएगी, क्योंकि अभी वो रोमन रेंज से लड़के आए हैं तो क्वालिफाइंग मैच भी तो ऑब्वियसली जीतेंगे ना, उनको लैडर मैच में शायद WWE डाले। लेकिन ओमोस ने जब उनको अपना डबल हैंडेड चोक स्लैम लगाया और पिन किया तो रिडल ने किकआउट नहीं किया, और ओमोस इस मैच को जीत गए। अब इससे यह भी चीज समझ में आ गई कि ओमोस ऐसे लुल होने वाले सुपरस्टार नहीं है जैसे हमको लगा था कि लगातार वो जीत रहे हैं, बॉबी लैशली से हारने लगे तो फिर उनका जो स्टॉक है वो डाउन चले जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने रिडल को हराया है, और रिडल वो बंदा है जो कि अब तक रोमन रेंज के सामने खड़ा हो रहा था कि वो उसको हरा सकता है, तो ये छोटी मोटी बात नहीं ओमोस के लिए। तो ये विक्ट्री काफ़ी ज़रूरी भी थी ओमोस के लिए, उनका कैरेक्टर को बचाने के लिए अभी जो चल रहा है, वरना तो आज उनका नैया फारी हो जाती, बिल्कुल कहानी खत्म हो जाती। इसके बाद सेथ रॉलिंस अपनी एंट्रेंस करते हैं और वे कहते हैं कि रिडल सबसे पहले तो उनको रिंग से भगा देते हैं मार के, और कहते हैं मैं लूजर्स के साथ बिल्कुल भी खड़े नहीं होता, और तू अगर नहीं भी जीता रोमन रेंज से तो उसके सामने नहीं भी जा रहा तो क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि ब्रीफकेस को कैश इन करके सिर्फ मैं ही वो अकेला बंदा हूं जो कि रोमन रेंज से चैंपियनशिप ले सकता है। और यहां पर उन्होंने इस बात को भी हिंट किया कि जो तुमने पहले देखा था ना कैश इन, वो तो कुछ भी नहीं है, जो मैं इससे भी बड़ी चीज़ कर सकता हूँ, तो ऐसे करके जो है वो बता रहे होते हैं कि मैं विजनरी हूँ, मैं रेवोल्यूशनरी हूँ, मैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, और उतने में ही रिडल ने अटैक कर दिया उनके ऊपर। अब अटैक किया तो रिडल तो वैसे ही हाई हाई वाली सिचुएशन में थे, और उनके ऊपर जो है कर्ब स्टॉम लगा के सेथ रॉलिंस बड़े ही अंदाज से अपने नाचते गाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तो काफ़ी बड़े क्लेम कर रहे हैं सेथ रॉलिंस यहाँ पे, और वैसे भी रोमन रेंज की तरफ से भी कुछ है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, बट हाँ आज जो है रिडल नहीं जीते, जो कि मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था। इसके बाद
बाद हमको थ्योरी देखने को मिलते हैं जो कि बॉबी लैशली के बारे में बात करते हैं कि कैसे वो जो पोजिंग थी वो सही नहीं थी, ऐसे नहीं थी, वैसे नहीं थी। इवन वो जॉन सीना का नाम भी यहाँ पर ड्रॉप करते हैं, कहते हैं हिज टाइम इज अप एंड माई टाइम इज नाउ, जो कि आपको पता है जॉन सीना का एक कैच फ्रेज है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर बॉबी लैशली पीछे से आ जाते हैं क्योंकि जब वो ऐसे सेल्फी वगैरह ले रहे थे तो पीछे बॉबी लैशली खड़े होते हैं। थ्योरी देख रहे होते हैं ये क्या जादू हो रहा है, क्योंकि मैं तो अकेले खड़ा हूँ और पीछे चैंट वैंट भी लगा रहे थे उनके लिए, तो थ्योरी को लग रहा था कि मेरे लिए चैंट लग रहे हैं जबकि एक्चुअली में लैशली के लिए लग रहे थे। और लैशली ने उसके बाद वो जो स्क्वीज किया ऑयल जैसे थ्योरी ने किया था वैसे ही किया, और जो स्पीयर मारा उन्होंने प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े थे ना ऐसे स्पीयर लेके बिल्कुल जैसे एक शेर ने अपना ऐसा मारा भाई, वैसी वही मैं इसको वही उपाधि मैं दूंगा इसको जो कि लैशली ने किया। और उसके बाद वो चैंपियनशिप लेते हैं और थ्योरी को कहते हैं ले, लेकिन थ्योरी जब आते हैं तो उनसे उनको देते नहीं है, हालांकि बाद में उन्होंने दे दी थी। तो थ्योरी के साथ बिल्कुल ऐसे खेल रहे हैं जैसे कि कोई बहुत बड़ा आदमी किसी बच्चे के साथ मजे ले रहा है, आज कुछ ही ऐसा सेगमेंट था। और अभी वैसे लैशली और थ्योरी का और भी सीन है ना होना था क्योंकि अभी गॉन्टेड मैच में भी उन्होंने फेस किया उनको, क्यों, ताकि मनी द बैंक के लिए अपॉर्चुनिटी उनको मिले, लेकिन खैर उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। बट नेक्स्ट हमको जे उसो वर्सेस एंजेलो डॉकिंस का सिंगल्स मैच देखने को मिलता है, और मैच से पहले जिमी एंड जे उसो ये भी कह रहे होते हैं कि रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर को भी हरा देंगे और फिर से हरा देंगे दोबारा से। अब इनके बीच मैच होता है तो जे उसो तो यहाँ पर खुद एंजेलो डॉकिंस के साथ नहीं जीत पाए और इनको मैच में जो है हार मिल गई क्योंकि मनी द बैंक में इनका टैग टीम मैच होने वाला है इस वाली राइवलरी से, इस वाली फ्यूड से। मैं बिल्कुल पक चुका हूँ तो इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। नेक्स्ट हमको इलायस और इजिकल देखने को मिलते हैं और इसी जादू की मैं बात कर रहा हूँ। बैकस्टेज या फिर पता नहीं कहाँ पर जो भी वो जगह है, काउच होता है, एक तरफ बैठे होते हैं इलायस, एक तरफ बैठे होते हैं इजिकल, और WWE ने समहाउ मैनेज किया दोनों को एक फ्रेम में लाने के लिए और इतनी परफेक्शन से। मैंने आपको बताया नहीं था कि ऐसा WWE कर सकती है कि दोनों को सेम फ्रेम में लेकर, इवन मैंने आपको करके भी दिखाया था कि ऐसे करके हो सकता है जब मैं भी साथ में दो एक साथ फ्रेम में आ गया था दो बार, तो वही चीज़ WWE ने यहाँ पर करी, लेकिन करना अलग होता और उसको अच्छे से नेल करना अलग होता। और WWE ने जो भी वो काम किया है, इवन अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ एडिटिंग की वजह से है क्योंकि मुझे बैकग्राउंड में इसकी नॉलेज है, तो ऐसा ही बिल्कुल भी नहीं है। ये काम होता है उन दो बंदों का भी, मतलब दो बंदों का ऑब्वियसली एलायस इजिकल का, कि उन्होंने किस तरीके से डायलॉग डिलीवरी जो की है वो बिल्कुल ऑन पॉइंट किया कि जैसे कि एक बंदे का सेंटेंस खत्म हो तो दूसरे का शुरू हो। तो यही यहाँ पर बातें हो रही होती है कि इजिकल कहते हैं कि यार, मतलब एलायस कहते हैं कि मैंने तो काफ़ी लंबे टूर कर लिए, मैं कॉन्सर्ट वगैरह मैंने किए, लेकिन जैसा मेरे को WWE यूनिवर्स के सामने मजा आता है ना कॉन्सर्ट करने में, वो कहीं पर भी नहीं आया। और एलायस फिर ये भी कहते हैं मुझे कोई भूल तो नहीं गया होगा, यहाँ पर वॉक विद एलायस वाली बात भी बोल रहे थे। इजिकल कहते हैं कि नहीं नहीं तेरे को सब लोग याद कर रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने ऐसे फिस्ट बम्प भी किया। और अगर आप वहाँ पर नोटिस करोगे, वैसे उसके लिए थोड़ा सा पोस्ट प्रोसेसिंग की अगर आपको नॉलेज है तो ये आप समझ पाओगे, वहाँ पर हल्का सा मुझे लगा कि हाँ थोड़ा सा यहाँ पर कमी है, बट इतना भाई घुस के तो कोई नहीं देखता, हर कोई जो है शो को एंजॉय करता। मैं ही वैसे देख रहा था क्योंकि मुझे जानना था ना कि वो हो कैसा रहा एक्चुअल में, लेकिन वो बहुत परफेक्ट तरीके से नेल किया था, मज़ा आया उसको देखने में, बिल्कुल रियल लग रहा था वो। उसके बाद क्या होता है, एलायस का कॉन्सर्ट भी होता है, और हाँ ऑब्वियसली बात है वो दाढ़ी वाड़ी लगा के अपना बाल वाल भी लगा के और वैसे ही गेटअप में आए हुए थे ताकि वो बिल्कुल रियल लगे। उसके बाद एलायस का कॉन्सर्ट हो रहा होता है और एलायस कॉन्सर्ट में वॉक विद एलायस जब बोलते हैं और कहते हैं मैंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस किया, और उसके बाद वो कहते हैं कि उनके लिए गाना है केविन ओवंस के लिए जो कि एक लायर है। ऐसा कहते कहते केविन ओवंस आ जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई ये स्पेशल मूवी इफेक्ट्स हैं, तो हमको पागल बनता ना, ये सारे लोग पागल बन सकते हैं, मैं जो है फ्रेंच कैनेडियन हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हूँ, तो मेरे साथ ऐसे नहीं खेल सकता। उसके बाद क्या होता है, केविन ओवंस ये सारी बातें लायर करके चिल्ला रहे थे, उन्होंने गिटार पकड़ के भी एलायस का फेंक दिया, हालांकि उसके बाद हाई नहीं उन्होंने उनको लगाई और जो गिटार है उन्हीं के ऊपर फोड़ दिया। और केविन ओवंस ने क्योंकि चैलेंज भी दिया था तो एलायस या फिर इजिकल या फिर एलरॉड ऐसे करके तो कुछ नाम लिया उन्होंने, इन तीन में से कोई एक बंदा केविन ओवंस को फेस करेगा। इवन टाइटन ट्रॉन के ऊपर ना इजिकल भी आ जाते हैं तो केविन ओवंस और कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भैया एलायस यहाँ बैठा है, फिर वो कहते हैं नहीं टाइटन ट्रॉन पे हो सकता है, पुरानी वीडियो चला दी। बट जब बैक स्टेज आते हैं केविन ओवंस तो एक्चुअल में इजिकल वहाँ पर खड़े हुए थे, मतलब अभी रिंग में एलायस है और वहाँ पे इजिकल, तो ये इस तरीके से WWE क्रिएट कर रही है कि भाई एक्चुअल में लग रहा है कि नहीं सच में एलायस और इजिकल अलग अलग है। और नेक्स्ट वीक अब जब इनका मैच होगा तो उसको देखने में भी यार बहुत ज़्यादा मजा आएगा, बहुत बढ़िया WWE ने स्टोरी लाइन बना दी, मैं तो उसको बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। बाकी आपके क्या थॉट्स हैं इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। लैशली का हमको गॉन्टलेट मैच देखने को मिलता है और अगर इस गॉन्टलेट मैच को जीतेंगे तभी वो थ्योरी को फेस कर पाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। चैट गेबल को उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन से हराया क्योंकि बीच में टपक जाते हैं ओटिस को उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन से हराया क्योंकि मैच में टपक जाते हैं चैट गेबल, लेकिन जब थ्योरी को हराने की बारी आती है और जब वो अपना फिनिशर हिट करने वाले होते हैं उसको काउंटर करके
पिन कर दिया बॉबी लैशली ने और थ्योरी को मिल गई है चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी। आई थिंक ये बेल्ट लेने देने वाला सीन इस यहाँ पर था या फिर पहले था मुझे याद नहीं आ रहा, बट हाँ यहाँ पे जो है बॉबी लैशली को अब चैंपियनशिप के लिए मौका मिलने वाला है थ्योरी के अगेंस्ट में। एंड लेट्स सी क्या बॉबी लैशली ले पाते हैं चैंपियनशिप को। वो तो कह रहे थे कि चैंपियनशिप को उनको घर वापस लाना है, क्योंकि पहले आपको पता चैंपियनशिप बॉबी लैशली के पास थी। मिस टीवी का सेगमेंट होता है जहाँ पर एजे स्टाइल्स होते हैं और यहाँ पर पॉपकॉर्न साइज बॉल्स की बात हो रही है कि जो मिस के बॉल्स है पॉपकॉर्न के साइज के हैं, और मिस कह रहे हैं इस बात का मुद्दा ना बनाओ तुम, लेकिन एजे स्टाइल्स कहते हैं इसका ऑलरेडी मुद्दा बन चुका है। और फिर एजे स्टाइल्स कहते हैं कि अगर मेरे सामने कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा होता तो मैं पता क्या करता हूँ, वो अटैक कर देते मिस के ऊपर। चांपा ने आकर पीछे से अटैक किया, जिसके बाद चांपा और एजे स्टाइल्स का मैच होता है और एजे स्टाइल्स ने यहाँ पर विक्ट्री ले ली फिनोमिनल फोरआर्म लगा के। मिस आते हैं, मिस ने मारने की कोशिश करी लेकिन उनको भी स्टाइल्स क्लैश उन्होंने मार दिया। और उसके बाद मिस का चश्मा पहन के जो लुक आ रहा था ना एजे स्टाइल्स को, बहुत कमाल था। मुझे तो लग रहा है कि एंट्रेंस पर यही चश्मा पहनना चाहिए एजे स्टाइल्स को, वो काफी कूल लग रहे थे। तो ये जो है चीज़ थी आज फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स के लिए। इसके बाद हमको वीर महान भी देखने को मिलता है अपने प्रोमो के अंदर, जहाँ पर वो हिंदी में भी बात करते हैं और कहते हैं कि उन्हें कोई नहीं रोक सकता, उन्होंने रे मिस्टीरियो और डोमिनिक का ऐसा हाल किया है। और बोलते हैं फियर वीर ऐसे करके उन्होंने बोला कि भैया हर कोई मुझसे डरो, वॉट वॉट के भी चैंट लग रहे होते हैं उनके लिए, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने जब हिंदी में बोलना शुरू किया तो वहाँ के ऑडियंस के अल्लाह पल्ले नहीं पड़ रहा था। बट हाँ, आज वीर महान को WWE ने दिखाया टेलीविजन के ऊपर, भले ही उनका मैच नहीं था। बाकी शो के मेन इवेंट में बैकी लिंच और आस्का का मैच होता है, और ये इसलिए था क्योंकि बैकी लिंच ने कहा था मुझे मनी इन द बैंक के क्वालिफाइंग मैच में तो डालो अब, तो बैकी लिंच तो एडम पियर्स उनको आस्का के साथ मैच देते हैं। और मेन इवेंट के अंदर अच्छा मैच था ये भी, विमेंस डिवीजन ने आज काफ़ी सही काम किया है और आस्का ने अपनी जो है सुपर किक लगा के बैकी लिंच को हरा दिया, और उसके बाद बैकी लिंच के रोने धोने चालू हैं। तो ओवरऑल मैं आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की बात करूँ तो डेफिनेटली मैंने इसको एंजॉय किया, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर काफ़ी सारी अच्छी थी। एंड ऐसे ही अगर WWE रॉ के एपिसोड दिखाए तो फिर हम कह सकते हैं कि शो जो है अच्छे होंगे। लेकिन रोमन रेंस की बात करते हैं तो आपको पता है रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर का जो मैच है वो समर स्लैम के अंदर होने वाला, कितनी बारी हो चुका है। और इसी बात को थोड़ा बहुत एड्रेस किया उन्होंने, ट्वीट किया उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर, उन्होंने कहा आई हैव बीन स्टैंडिंग एज द ओनली वन एट द टॉप ऑफ द माउंटेन, यानी अकेला मैं खड़ा हूँ पहाड़ के ऊपर, पर्वत के ऊपर, ऑन द आइलैंड ऑफ रेलिवेंसी एट द सेंटर ऑफ इट ऑल, वन लास्ट एस वूपिंग फॉर द बीस्ट। यानी कि रोमन रेंस ये कहना चाह रहे हैं कि एक आखिरी बार और उनको पिछवाड़े तोड़ने हैं ब्रॉक लेसनर के, और ये क्या कि उन्होंने वॉर्न कर दिया और साथ में हैशटैग भी यूज़ किया, हैशटैग रैक एवरीवन एंड लीव हैशटैग समर स्लैम। तो ये गोल है रोमन रेंस का एट समर स्लैम ब्रॉक लेसनर के साथ करने का। अब क्या ये चीज़ होगी, क्या आपकी प्रेडिक्शन है, काम चल रहा है कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताना। लेकिन आज की वीडियो देखी थी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।